हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मैं तुमंग की वैद्य से बोल रही हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मज़े में हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही कि मुझे अपने बच्चों से मिलने की इच्छा हो रही है। हमारे बच्चों से, चेंबूर कर्नाटक हाई स्कूल के बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों से, सब बच्चों से मिलने की बहुत ही इच्छा हो रही है। तुम लोगों को देखने का, तुम लोगों से मिलने का, तुम लोगों से बोलने का। कैसे हो? क्या कर रहे हो? किस टाइप में हो? छोटे बढ़ गए, बड़े बन गए, या कहाँ कहाँ कौन से महान कार्य किए? सब कुछ पता लगाने की इच्छा हो रही है, इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैं प्यार से बुला रही हूँ। तो तुम लोगों को मेरी याद नहीं आती है, या हम लोगों की याद नहीं आती है, या स्कूल के बारे में कुछ भी विचार नहीं आता है क्या? ज़रूर आता होगा ना, क्योंकि तुम लोगों ने भी वहाँ पर पढ़ाई की है, एजुकेशन लिया है, और बहुत अच्छे अच्छे दिन तुम लोगों ने बिताया है। मार खाए है, प्यार खाए है, सब कुछ किए हैं, इसलिए ऐसे स्कूल के लिए या स्कूल में आने की इच्छा एक बार तो होती होगी ना? नहीं होती होगी तो भी जरूर मैं प्यार से बुला रही हूँ। आ जाओ ना, सब मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, एक बार मिलेंगे, बोलेंगे, और कुछ भी हो तुम लोगों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें अभिमान होगा, गर्व होगा कि हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े कार्य किए, अच्छे अच्छे कार्य किए, या कुछ भी हो, अपने फैमिली को बहुत सुंदर ढंग से संभालते हुए जी जीवन बिता रहे, ये भी तो मालूम हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं तुम लोगों से प्यार से बुला रही हूँ। आ जाओ, हम लोग एक दिन सब गेट टुगेदर करेंगे, और स्कूल के लिए ऐसा तो कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो भी क्या करना है, कैसे करना है, 1 साल या 2 साल में तो एक बार हम लोग मिलने के बारे में विचार करेंगे। ऐसे तो छुट्टी सर, सदाशिव शेट्टी, और हमारे आचार्य सर, और रविंद्र सर, और मैं, हम लोग तो आ रहे हैं। बाद में देखेंगे तुम लोग कितने आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जून लास्ट वीक में करने का विचार है, संडे गेट टुगेदर, वो भी स्कूल में ही करने का विचार है, अपने स्कूल में, हमारे ही स्कूल में। अगर तुम लोगों को भी स्कूल में आने की इच्छा हो जाएगी, स्कूल में मिलने की इच्छा हो जाएगी, या तुम लोगों को मिलने का भी एक मौका मिल जाएगा, स्कूल भी देखने के लिए मिल जाएगा, कितना बड़ा हो गया, क्या क्या हो गया है, कैसे कैसे कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब कुछ तुम लोग देख सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने पर, सब फ्रेंड्स से मिलने पर बहुत ही खुशी होगी। कन्नड़ मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बुलाने का विचार कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट कर्नाटक संघ के, उन्होंने कहा अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो बहुत ही अलग अलग ज़्यादा हो जाएगा। चेंबूर कर्नाटक स्कूल के एक ही एक स्टूडेंट ग्रुप बनाइए ना, अब सब बच्चों को जमा कीजिए ना, ऐसा उन्होंने भी कहा। इससे मुझे भी इच्छा हो रही है, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम लोग आएंगे तो। या कितने आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ भी हो तुम लोग अपना मैसेज जरूर भेज देना। तुम लोगों के ग्रुप ग्रुप में भी अगर तुम लोग मैसेज पास करेंगे या भेजेंगे तो हम लोग जरूर जमा कर लेंगे, मैं देख लूँगी। ठीक है ना बच्चे, याद रहेगा ना, प्यार करते रहेंगे ना, सोचते रहेंगे ना, विचार करेंगे ना, जरूर विचार करके जल्द से जल्द 2-4 दिन में जरूर तुम लोग जवाब दो, हाँ या ना, आते हैं या नहीं आते हैं, या करना है नहीं करना है, कुछ भी हो तुम लोग बता दो तो हम लोग उसके हिसाब से विचार करेंगे। हाँ, एक दो के लिए नहीं देंगे, ग्रुप वाइज लीडर लोगों को 4-5 बच्चे या 8-10 बच्चे मिलके तुम लोग जो सोचेंगे, मैं भी तुम लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करेंगे, विचार करेंगे। चलो जल्दी से जवाब दे देना। थैंक यू बच्चे, बाय। याद रखना, याद करना, याद करने के साथ साथ प्यार सदा बनाए रखना, प्यार प्यार प्यार। हाँ, नालायक बच्चों याद रखो। हाँ चलो, प्यारे बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय बाय।
प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने सपना तो ज़रूर देखा था, उस सपने को तुम लोग इस हद तक इस प्यार के साथ साथ इस हद तक इतनी ज़्यादा संख्या में आकर साकार कर दोगे, सपना सच कर दोगे और तुम उनके प्यार से हमें एकदम आनंदित कर दोगे, मैंने कभी नहीं सोचा और उम्मीद भी नहीं किया। ऐसा प्यार तो है, मालूम था, लेकिन उस प्यार था उसे तुम लोग आकर सिद्ध करके दिखा दिया। सचमुच तुम लोग प्यार करते थे, अब भी प्यार कर रहे हैं, इसे दिखा दिया और मुझे विश्वास है कि आगे ज़रूर तुम लोग प्यार करते ही रहेंगे। इस टीचर या हम सब टीचर्सों को तुम लोग भूले नहीं, सबको याद रख रहे थे, सब अपने दोस्तों से अपने सहेलियों से मिलने की इच्छा तुम लोग में बहुत तीव्र थी, बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन साथ साथ में हम लोगों से भी, हम लोगों की पुकार, हम लोगों के सपने को सच करने के लिए तुम लोगों ने जो भी इतनी दूरी दूरी से और अपने सब काम को छोड़कर 4-5 घंटे हम लोगों के साथ बिताने के लिए आ गए ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चों। इसे कभी ज़िंदगी भर तो नहीं भूलेंगे, अगले 7 जन्मों तक भी ज़रूर अगर कुछ अच्छा काम किया होगा तो ज़रूर हमें फल मिलेगा, तुम लोगों का प्यार मिलता ही रहेगा, क्योंकि किसी जन्म का परिणाम स्वरूप ही इस जन्म में तुम जैसे बच्चे मिले, तुम जैसे बच्चों का प्यार मिला, तुम जैसे बच्चे दौड़ते दौड़ते आ गए और श्रद्धा भक्ति युक्त अपना प्यार जता दिया, दिखा दिया। सचमुच भुला नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और तुम लोग भी सचमुच, मुझे लगता है इस कार्यक्रम से तुम लोग भी बहुत ही खुश हो गए हैं और तुम लोगों के बहुत सारे मित्र सहेलियां सब मिल गए होंगे और सबसे मिले होंगे तुम लोग। थोड़ा कुछ तो टीचर्सों को, सबको देखकर, आचार्य सर को देखकर और हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम वालों का काम देखकर सचमुच खुश हो गए होंगे, बहुत संतुष्ट हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे तुम लोगों ने बहुत ही प्यार के साथ साथ तन मन और धन तीनों से तुम लोगों ने मदद किया है, ये क्या छोटी बात है, क्या कम है, क्या कुछ नहीं। दिल में अगर चाहत हो तो सब कुछ हो सकता है, उसे तुम लोगों ने करके दिखाया। हमारे बच्चे, अरे कौन है, हमारे बच्चे हैं, चेंबूर कर्नाटक हाई स्कूल के बच्चे, अपने बच्चे, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, सचमुच तुम लोगों ने साबित करके दिखा दिया, अच्छा करके दिखा दिया। और सचमुच विद्यार्थियों में या बच्चों में अपने माता पिताजी के संस्कार के साथ साथ गुरुजनों की सीख भी मिलने के कारण तुम अपने जीवन को भी सुखमय बिता रहे हो, ये भी हमें पता चल गया। इससे तुम लोग आ गए ना, इसका मतलब तुम लोगों का जीवन आनंदमय है, इससे तुम लोग आ सके, भाग लेने की इच्छा रख सके और उसे करके दिखा दिए। शाबाश बच्चों, शाबाश। मैं इसी धुन में 2 दिन में क्या कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बैठती तो बैठती रहती, सब बच्चों के चेहरे सामने आ जाते, अरे बहुत सारे बच्चों से नहीं मिल सकी, अरे इनसे नहीं मिल सकी, उनसे मिल नहीं सकी, और मैं जो जो भी वहाँ दूध रखती थी और दूध पूरा पूरा बर्तन जल जाता। 2 दिन तक मैं सिर्फ सबके फोटोज देखती रही, सबके सबकी बातों को सुनती रही, पढ़ती रही, सब बच्चों को थैंक यू बोलती रही। उसके कारण मुझे तुम सबको संबोधित करने के लिए नहीं मिला। बच्चों, किसी भी हालत में 10-15 दिन तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं छोड़ना, फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप को मत छोड़ना, छोड़ना मत, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे विचार तुम लोगों तक पहुँचाने का एक अच्छा मार्ग, अच्छा जरिया या मीडिया, बहुत सुंदर है ये व्हाट्सएप। इस व्हाट्सएप में हम लोग अपने विचारों को दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे,
और तुम लोग के आइडिया विचारों को हम लोग लेंगे और जो जितना बन सकता है जैसे भी हो सकता है उसका सदुपयोग करेंगे, अच्छा करेंगे। और उसके लिए तुम लोग सबकी, अब तक जो भी तुम लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि एक दो का नाम लेने से फ़ायदा नहीं होगा, इसे सारे के सारे ए टू जेड बच्चों ने, कन्नड़ मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे, बहुत प्यार दिया, बहुत उन्होंने मदद किया। उस काम का तुम लोगों को पूरा पूरा ब्यौरा मिलना चाहिए, नाम विवरण सब कुछ हम लोग तुम्हें बता देंगे। तब तक के लिए 10-15 दिन तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ना नहीं। सब कुछ जानने के बाद, मालूम होने के बाद तुम लोगों को फ़ोन बाद में करेंगे, 15-20 दिन के बाद। मैं तो करने वाली हूँ, समझ में आ रहा है ना? लेकिन उससे पहले सब कुछ विचार तुम लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोगों का कर्तव्य है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम का पहला प्रथम ड्यूटी बन जाता है। इसीलिए तब तक के लिए कोई व्हाट्सएप नहीं छोड़ना, तुम लोगों का प्यार सदा रहे, ऐसे एक दूसरे से बातें करते रहो, दिन रात जब जब भी समय मिलेगा तब तक। अब बाद में तुम लोग जो चाहे जहाँ पर भी रहेंगे हम लोगों को भूलना नहीं, प्यार सदा रहे, प्यार 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 है ना, बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो टीचर्स को, बच्चों से बच्चों को टीचर्स से प्यार है, प्यार है, प्यार है।